इसके चलते लॉकडाउन के दौरान सरकार की ओर से बीपीएल, एएवाई और ओपीएस कार्ड धारकों के लिए डिपो पर निशुल्क वितरण के लिए आए आटे में डिपो होल्डर किसी प्रकार की धांधली ना करे, सबको निर्धारित मात्रा में आटा मिले। इसे देखने के लिए उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने शहर के रामनगर क्षेत्र व बसंत विहार का दौरा किया। इस दौरान डीसी ने कई डिपो पर निरीक्षण भी किया। सरकार के निर्णय अनुसार बीपीएल व ओपीएस का 5 किलोग्राम प्रति मेंबर तथा अंत्योदय योजना के कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट आटा दिया जा रहा है। उपायुक्त ने रामनगर में डिपो होल्डर उषा तुली के डिपो को सबसे पहले चेक किया। आटा कब आया, कैसे बटेगा, किन किन को और कितना बांटना है जैसे सवाल किए। डिपो पर आए आटे से भरे बैग भी देखे। डिपो होल्डर ने बताया कि आटे के बैग आज ही आए हैं, आज या कल में बांट दिए जाएंगे। वैसे वितरण के लिए सुबह 7 से 11 का समय रखा गया है। मंदिर से मनादी करा सूचना दे दी गई है कि 25 या 50 की संख्या में लोग आएं और अपना आटा ले जाएं। इस पर उपायुक्त ने कहा कि सबसे जरूरी व ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आटा लेने वाले डिपो पर आकर भीड़ ना करें। सबको कम से कम 1 मीटर की दूरी पर बनाए गए सर्कल में खड़ा करके आटा दे, लंबी लाइन ना लगे और किसी का अंगूठा ना लगवाया जाए क्योंकि आटा फ्री है। इसके पश्चात उपायुक्त ने रामनगर स्थित मेन बाजार में ग्राहकों को सामान देने के लिए अधिकृत की गई दुकानों को चेक किया और वहां मौजूद दुकानदारों से भी बात की। हालांकि दुकानों के शटर बंद थे लेकिन दुकानदार उनके आसपास ही थे। उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप नंबर को दुकान पर लगाया गया है और डिमांड प्राप्त होने पर होम डिलीवरी करवाई जा रही है। रेट लिस्ट भी शटर पर चस्पा दिए गए हैं। इसी दौरान उपायुक्त ने मेन बाजार के करियाना दुकानदार हरिचंद एंड सन्स व विश्वास प्रोविजनल स्टोर को चेक किया। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैंने कुछ राशन डिपो और कुछ किराना शॉप्स की चेकिंग की थी। इस सिलसिले में जो मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, जो मेरे कोई डायरेक्शंस थे, सुझाव थे, वो आप सब लोगों से साझा करना चाहूंगा। एक तो साथियों, सारे के सारे जो राशन डिपो हैं उनमें जो फ्लावर है, आटा है, वो पहुंच चुका है और अब काफ़ी सारे डिपोज में तो उसका वितरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। बाकियों में भी उसको बांटने का कार्य कल से शुरू हो जाएगा। तो मेरी सब लोगों से आग्रह रहेगा और विशेष रूप से जो बीपीएल, एएवाई या ओपीएच कार्ड होल्डर्स हैं उनसे आग्रह रहेगा कि वो बारी बारी से अपने डिपो में जाकर के राशन लें और वहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ इकट्ठी ना होने दें। और जैसे ही आप वहाँ पे जाते हैं और अगर आपको लाइन में लगना पड़ता है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हर एक इंडिविजुअल से 1-1 मीटर की दूरी बनाए रखें और लाइन में रहें। मेरी सभी जो डिपो होल्डर्स हैं उनसे भी डायरेक्शंस में उनको ये देना चाहूँगा कि किसी भी तरीके से लोगों की लाइन ना लगने दें और उनको सबकी सोशल डिस्टेंसिंग जरूर फॉलो करवाएं। साथ ही मैंने कुछ किराना की दुकानें भी चेकिंग की थी, उनको सबको ठीक चलते हुए पाया। किराना शॉप जिनको परमिट दी गई है चलाने की, उनको भी और बाकी जो हमारे करनाल वासी हैं उन सबसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि जो भी अगर आपको किराने की आवश्यकता है तो आप उसको उस दुकानदार के फोन को फोन करके वहां से ऑर्डर लें और अपने घर पे ही सामान मंगवाएं। सामान कोई भी लेने के लिए किराना शॉप पे आपको जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सारे किराने का सामान आपको डोर स्टेप पे घर पे ही अवेलेबल करवाया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.